सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सच्चाई, सत्य, साधना, ध्यान, आप कहते हो मैं किस महात्मा पर विश्वास करूं? मैं किस मंदिर पर भरोसा करूं? मैं किस द्वारे जाऊं? मैं मेरी व्यासपीठ से निवेदन करूं, आप अपनी आँखों का इंतजाम करो। जिस दिन आपके पास ध्यान और साधना की आँखें हो जाएंगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके सदगुरु आपको आसपास ही दिखाई दे जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, सहज, बहुत सहज मिल जाएंगे। पूछता था, बाबा मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे? साधु बाबा ने बताया, ऐसी ऐसी आँखें होंगी, ऐसी ऐसी साधना होगी, ऐसी ऐसी जगह बैठे होंगे, सब बताया। गया ढूंढने, 20 बरस ढूंढा, नहीं मिला। थक कर गांव लौटा, देखा जो जो बताया था बिल्कुल वैसा की वैसा ही है, पेड़ भी वही है। कहा था ऐसे चबूतरे पे बैठे होंगे, इस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, वही वृक्ष है, वही चबूतरा है, वही आँखें हैं, वैसे ही हैं, वही सब कुछ है। प्रणाम किया, आँखें झुकाकर प्रणाम किया और देखा, बाबा 20 बरस पहले मैं आपके पास आया था, आपने जब क्यों नहीं कह दिया कि मैं ही हूँ? वही पेड़ है, वही चबूतरा है, वही सब कुछ तो है, आपने जब क्यों नहीं कहा कि आप ही मेरे गुरुजी हैं? तो उन्होंने कहा, कहा तो था पर तब तेरे पास देखने वाली आँखें नहीं थी, तेरे पास पहचानने वाली आँखें नहीं थी। मैंने तो तुझे बताया था पर तेरे पास पहचानने वाली आँखें नहीं थी। वेद कहते हैं, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये, वो कहते हैं कि हमारी आँखें भद्र देख सके, ऐसी कृपा मिले हमें भगवान से। वेद में मंत्र आता है, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये मा कश्चित्, आँख अच्छा देख सके, कान अच्छा सुन सके, भद्र भद्र देख सके। हम कहते हमें गुरु मिलते नहीं है, हमारे पास आँख कहाँ है गुरु जी को देखने वाली? हमारे पास थोड़ी साधना तो होनी चाहिए, हमारे पास थोड़ा ध्यान भजन तो होना चाहिए। अगर आपके पास ध्यान साधना है तो आप दूसरे की ध्यान साधना को पहचान सकते हो। अगर आपको कोई ध्यान का अनुभव नहीं है, आपको कोई साधना का अनुभव नहीं है, आपको कोई भजन का ज्ञान नहीं है, तो आप दूसरे के भजन को नहीं पहचान पाएंगे।